Hello friends, now let's continue our discussion of doubts over refraction through curved surface. मैंने कल के दिन ये 6-7 doubts करवा दिए थे जो इस समय board पर लिखे भी हुए हैं, by chance अभी तक लिखे हुए हैं. मैं आगे के doubts जो discuss कराऊंगा, problem number 30th, problem number 32nd, 34th, 35, 37. चलिए सबसे पहले यह 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस कराता हूं और भी लिखते जाऊंगा. लेट्स स्टार्ट रीडिंग प्रॉब्लम नंबर 30th प्रॉब्लम रीड करते हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉन्वेक्स लेंस है and we have got a point object O which is placed at 15 centimeter from this convex lens. Image is formed on the other side at a distance of 30 centimeter from the lens. We have image here which is at a distance of 30 centimeter. Good. U is given, V is given, focal length can always be determined. When a concave lens is placed in contact with convex lens, the image shift further away by 30 centimeter. यह convex lens इसका focal length F है. इसी convex lens के साथ में यदि हम एक concave lens रख दें, इसके बिल्कुल करीब इस तरीके से यदि हम concave lens रख दें, यह F है, concave lens की focal length F dash है, तो यही जो object है जो कि 15 सेंटीमीटर पर है, इसकी इमेज फर्दर शिफ्ट हो जाती है 30 सेंटीमीटर से. मतलब अब जो नई इमेज बनती है वह 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है. द इमेज शिफ्ट फर्दर अवे बाय 30 सेंटीमीटर. कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी नीड टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंस. नाउ इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, इनफैक्ट कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है. मैं प्रॉब्लम में इन्वॉल्व जो कंसेप्ट फॉर्मूले हैं वह लिखते जाता हूं. मैं सबसे पहले लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1/F = 1/V - 1/U. इस सिचुएशन में लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर मैं फोकल लेंथ बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकता हूं. 1/F = 1/V. वी इन दिस केसेस +30, माइनस यू इन दिस केसेस -15. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव सिंस इट्स मेजर्ड अगेंस्ट इंसिडेंस रे. इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव सिंस इट्स मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंस रे. अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं. 1/F = 1/30 प्लस इसको मैं 2/30 लिख देता हूं. सो दिस कम्स 3/30 और फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर. दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस जो पहली थी उसकी फोकल लेंथ पता लग गई. अब इसके बाद दूसरी कंडीशन वो क्या बोल रहे हैं, इसी लेंस के साथ हमने कोई कॉनकेव लेंस रखी जिसका कुछ फोकल लेंथ एफ डैश है और वही एफ डैश हमें डिटरमाइन करना है. ऐसा करने से इसी ऑब्जेक्ट की अब जो नई इमेज बनती है वह 30 सेंटीमीटर फर्दर अवे चली जाती है. मतलब 30 सेंटीमीटर तो पहले ही थी, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर चली जाती है. मैं कहता हूं इन दोनों लेंस को जब साथ में रख दिया तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा और उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ एफ होगा. एंड कॉम्बिनेशन द फोकल लेंथ ऑफ दैट कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. तो मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, कैपिटल एफ. कैपिटल एफ कैसे निकालूंगा, वंस अगेन यह फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1/F = 1/V - 1/U. मैं अप्लाई करता हूं 1/F = 1/V की जगह 60+60, -1/U की जगह -15. ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने निगेटिव इसलिए लिया बिकॉज दैट
डिस्टेंस वुड बी मेजर्ड अगेंस्ट इंसिडेंस रे. इमेज डिस्टेंस मैंने पॉजिटिव इसलिए लिया बिकॉज दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंस रे. सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय 60 प्लस 4 बाय 60. 1 बाय 15 को मैंने 4 बाय 60 लिख दिया. सो दिस सम्स आउट टू बी 5 बाय 60 और दिस focal length of combination is 12 centimeter. This is focal length of combination. यह पूछा नहीं है, पूछा हमसे है focal length of this lens, f dash पूछा है, मगर वह f dash अब हम इस expression से determine कर लेंगे. कैसे determine करेंगे जरा देखिए. 1 by f की जगह पर मैं लिखूंगा 1 by 12, 1 by capital F और 1 by small f की जगह लिखूंगा 1 by 10 plus 1 by f dash. और 1 by f dash is equal to 1 by 12 minus 1 by 10 और this is equal to 10 by 120 minus 12 by 120 और this is minus 2 by 120 और f dash is minus 60 centimeter. This is the focal length of convex lens. यह पहला आंसर है. एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस जो कि नेगेटिव है और यह दूसरा आंसर है. दोनों लेंस की फोकल लेंथ जो हमसे पूछी गई थी हमने डिटरमाइन करके लिखी है. लेंस फॉर्मूला अप्लाई करा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करा है. जरा बड़े ध्यान से देखिए कैसे करा गया है. पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दी हुई है, उसकी फोकल लेंथ निकाल ली. दूसरी लेंस जो कॉम्बिनेशन में रखी तो पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमने उसी लेंस फॉर्मूले से निकाली. कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने के बाद और सिंगल लेंस की फोकल लेंथ निकालने के बाद दूसरी लेंस की फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए हमने लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और दूसरी लेंस की फोकल लेंथ भी डिटरमाइन हो गई. Second, note it down. Now start preparing for 32nd problem. Now let's move on to 32nd problem. Once again, it's a very simple problem. Direct application of the formula. Formula सिखाने के लिए ही है. In fact, the radii of curvature of lens are plus 20 centimeter and plus 30 centimeter. अब यह बात देखना है. Plus 20 centimeter और plus 30 centimeter radii of curvature है. Lens के दो surface हैं. एक का radii प्लस 20 सेंटीमीटर, यह R1 हुआ प्लस 20 सेंटीमीटर एंड R2 इज ऑल्सो प्लस 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब यह R2 इसका भी रेडियस किस तरह से, जब लाइट रेस ऐसे चलेगी तो R1 भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर होना चाहिए और R2 भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मेजर होना चाहिए. R1 इज प्लस 20 सेंटीमीटर, R2 इज प्लस 30 सेंटीमीटर. द मटेरियल ऑफ लेंस हैव गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ प्लेस्ड इन एयर एंड बी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्लेस्ड इन वाटर. सिंपल प्रॉब्लम, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना है. वह फॉर्मूला लिख देता हूं, उसका एप्लीकेशन सिखा बता देता. दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला. 1 बाय एफ इज μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. यह फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करना है. दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला. देखिए अप्लाई करके दिखाता हूं. एयर में
1 upon focal length in AR is mu 2 defective index of lens by mu 1 defective index of AR minus 1. 1 by R1, R1 mein likhunga plus 20 minus 1 by R2 plus 30. Solve it. इसी तरह से 1 upon focal length in water mu 2 upon mu 1. Mu 1 जो लिखना होगा that is refractive index of water 4 by 3 minus 1 1 by R1 plus 1 by R2. Focal length in air के लिए solve कर लीजिए, I think you will get 100 centimeter. Focal length in water के लिए solve कर लीजिए, I think you will get 300 centimeter. These are the answers. बस जो ध्यान से समझने वाली बात थी वो यह थी कि R1 पॉजिटिव और R2 पॉजिटिव, यदि R1 पॉजिटिव R2 पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होंगे तो लेंस कैसी होगी? देखिए R1 20 है, रेडियस कम है तो कर्वेचर ज्यादा हो गया, R2 30 ये रेडियस ज्यादा है तो इसका कर्वेचर कम हो गया, मतलब कर्वेचर ज्यादा होना मतलब गोलाई ज्यादा होगी, इट्स मोर कर्व्ड. रेडियस कम होता है तो कर्वेचर ज्यादा होता है, मतलब कर्व्ड शेप ज्यादा होता है. रेडियस कम होता है तो कर्वेचर, रेडियस ज्यादा होता है तो कर्वेचर कम होता है, मतलब गोलाई कम होती है. इस तरीके से R1 R2 नोट देखिए, लेंस का शेप देखिए, यह बात भी देखिए कि यह लेंस बीच में से मोटी होगी और एजस से पतली होगी, मतलब यह कन्वर्जिंग लेंस होगी. It's converging in air as well as in water. यह air और water दोनों ही medium में converging lens के माफिक behave कर रही है. Observe the solution, note down and move on to 34th problem. Now, let us solve problem number 34th. A thin lens made up of material of refractive index mu 2. We have got a thin lens. It's made up of a material having refractive index mu 2. Has a medium of refractive index mu 1 on one side and medium of refractive index mu 3 on other side. The lens is biconvex and two radii of curvature are equal in magnitude. This radii of curvature and this radii of curvature are equal in magnitude. A beam of light traveling parallel to principal axis is incidented on the lens. Where will the image be formed if incident beam is incidented from medium mu 1? When light beam is incidented from medium mu 1, तो मैं पार्ट ए करता हूं. अब देखिए इस बार हम लेंस फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. लेंस फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो. लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स mu 2 है मगर एक तरफ है मीडियम mu 1, दूसरी तरफ है मीडियम mu 2, mu 3. दोनों तरफ मीडियम डिफर होने से लेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. अब यह रेस कहां कन्वर्ज होंगी इसे समझने के लिए हम दो बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जैसे हमने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए दो बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा था, बिल्कुल वो डेरिवेशन को ही एक तरीके से हम इस प्रॉब्लम के लिए करेंगे. पहले लाइट रेस इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी और वह मीडियम वन से मीडियम टू में जाएगी, फिर मीडियम टू में ट्रेवल करने वाली लाइट रे इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी और वह मीडियम टू से मीडियम थ्री में जाएगी और फाइनली मीडियम थ्री में रिफ्रैक्टेड रेस इमर्ज करेंगी और उनसे इमेज बनेगी. तो मैं पहले मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट रेस को ले जाता हूं, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर
इज इक्वल टू म्यू टू बाय इंटरमीडिएट इमेज वी डैश माइनस म्यू वन बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी। यह देखिए, यह लाइट रेस कहीं इंटरमीडिएट इमेज वी डैश बनाएंगी, यह इमेज आई डैश जिसकी इमेज वी डैश, यह पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया और वी डैश इमेज बनी, आई डैश इमेज बनी जो कि वी डैश की दूरी पर। अब यह रेस दूसरे सरफेस से टकरा रही है तो एक और बार रिफ्रैक्शन हुआ, इस बार लाइट रे मीडियम टू से मीडियम थ्री में जा रही है तो म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाय आर। आर क्या है? इस बार नेगेटिव है, इस बार कर्व्ड सरफेस इस तरह का है, इसका सेंटर इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, सो अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू म्यू थ्री बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज को मैं अब एफ पर बोल देता हूं, द फोकस ऑफ दिस लेंस, माइनस। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो पहली सरफेस के द्वारा इमेज आई डैश बनी है वही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई डैश विच इज इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस वुड बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। तो पहले सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वी डैश वह दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज वी डैश। मैं सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, म्यू टू बाय वी डैश टर्म कैंसिल हो जाएगा और इधर जो दिखने लगेगा म्यू टू माइनस म्यू वन, इधर माइनस है तो म्यू टू माइनस म्यू थ्री, तो टू टाइम्स म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री बाय आर इज इक्वल टू म्यू थ्री बाय एफ माइनस जीरो। मुझे फोकल लेंथ फोकल पॉइंट दिखने लगा म्यू थ्री आर अपॉन टू टाइम्स म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री। दिस इज द फोकस। इफ द रेस आर इंसिडेंटेड पैरेक्सल इन मीडियम वन। अब इसी तरह से मीडियम थ्री में भी पैरेक्सल रेस होती तो चलिए मैं उसको भी सॉल्व करता हूं। ऑल दो पहले रिजल्ट से ऐसे ही हम समझ जाएंगे कि जहां म्यू थ्री है वहां म्यू वन कर दीजिए और जो जहां म्यू वन है वहां म्यू थ्री कर दीजिए, म्यू वन और म्यू थ्री टर्म को इंटरचेंज कर देना, पर फिर भी मैं एक और बार सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा। अब लाइट रेस मीडियम थ्री से मीडियम टू में जा रही है पैरेलल रेस, तो मैं फिर वापस कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, म्यू टू माइनस म्यू थ्री बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय वी डैश माइनस म्यू थ्री बाय इंफिनिटी। अब यह लाइट रेस इस कर्व्ड सरफेस से कन्वर्ज हुई है, इस कर्व्ड सरफेस से कन्वर्ज होके वो कहीं इस जगह पर आई डबल डैश और आई डैश इधर मिलने की टेंडेंसी रख रही होंगी। अब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी, दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के दौरान मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, सो म्यू वन माइनस म्यू टू बाय माइनस आर। कर्व्ड सरफेस का कर्वेचर उलट चुका है, नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चुका है, म्यू वन बाय फाइनल फोकल पॉइंट है, इसको मैं एफ डैश लिख देता हूं, एफ डैश माइनस म्यू टू बाय वी डैश। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, वंस अगेन म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री, टू टाइम्स म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय एफ डैश माइनस जीरो म्यू थ्री बाय इंफिनिटी। सो एफ डैश इन दिस केस वुड बी म्यू वन आर अपॉन टू टाइम्स म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री। म्यू थ्री और म्यू वन सिर्फ इंटरचेंज हो गए। दिस आर द टू फोकल पॉइंट इन द टू डिफरेंट केसेस।
when light ray traveling in medium one, paraxial light ray traveling in medium one, and in another situation when paraxial light ray traveling in medium three. दो बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमने लेंस फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जिस तरीके से दो बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाया था उसी तरीके से दो बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा के दो अलग अलग केस में फोकल पॉइंट डिटरमाइन करें। आप एक बात देखिए, इस सिचुएशन में दोनों तरफ जो फोकल पॉइंट है वह अलग अलग है, मतलब लेंस के दोनों तरफ मीडियम यदि अलग अलग हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेंस से अलग अलग दूरी पर होंगे। लेंस के दोनों तरफ मीडियम यदि सेम होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस पोल से सेम दूरी पर होंगे, अदरवाइज इस सिचुएशन में हमको अलग अलग दूरी पर दिख रहे हैं। 35th प्रॉब्लम करेंगे, अब इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब 35th प्रॉब्लम समझा देता हूं, वही जो थ्योरी में कंसेप्ट समझा रखे हैं उन्हीं को इलस्ट्रेट कर रहे हैं हम। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 centimeter along the principal axis of a convex lens of focal length 12 centimeters, mean position of oscillation is 20 centimeters. This is an object. Object 20 centimeter की दूरी पर है और इस तरह से 1 centimeter से oscillate करता है. Now what is the find the amplitude of oscillation of image of the particle. इस particle की image का oscillation बताना है। देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी image locate कर लूं lens formula से। वह lens formula है 1/f = 1/v - 1/u। मैं apply करता हूं 1/f = 1/v। f की जगह पर मैं 12 लिखता हूं plus 12। v मुझे डिटरमाइन करना है, u की जगह मैं -20। सो 1/v = 1/12 - 1/20 और 1/v = 1/10 - 6/120 और v = +30 और v by u भी लिख देता हूं +30 - -20 - 3/2। यह v by u डिटरमाइन करके रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग इन एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, इस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को हम du कह सकते हैं, du, और इस दूरी को हम u कह रहे हैं। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं d by dt of 1/f = d by dt of 1/v - 1/u। ऑपरेशन करके दिखा चुका हूं थ्योरी में, f इज कांस्टेंट, 1/f is constant, d by dt of 1/f is 0। यह हुआ d by dt of 1/v - d by dt of 1/u, 0 = -1/v² of dv/dt + 1/u² of du/dt, और dv/dt is v² by u² of du/dt. dt cancelled, dv is v² by u² of du. मैं यह एक्सप्रेशन जो डिराइव करा हूं यह अप्लाई कर दूंगा।
ड्यू इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट SHM. DV is amplitude of image SHM. So DV is V square by U square minus 3 by 2 whole square into object SHM hai 1 centimeter. So DV is 9 by 4 into 1 centimeter. So DV is 2.25 centimeter in the same direction as that of the object. This is the solution to 35th problem. In fact, यह operation पहले theory में भी दिखा चुका हूँ, वहाँ पर भी इस तरह का problem solve कर चुका हूँ, एक और बार problem आया, फिर करके दिखाया। यह इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं, यह 20 सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से इमेज ऑसिलेट करेगी। यह एक सेंटीमीटर से है तो यह लगभग नियरली 2.25 सेंटीमीटर से ऑसिलेट करेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 37th प्रॉब्लम, नोट इट डाउन।